दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जब किसी दुर्घटना से या फिर किसी बीमारी वगैरह के कारण किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में बदल दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है और उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया है लेकिन सिर्फ उसका दिमाग काम कर रहा है, तो क्या इस स्थिति में उसका सिर वाला हिस्सा बदला जा सकता है, यानी कि उसका दिमाग ट्रांसप्लांट करके किसी और शरीर में जोड़ा जा सकता है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसने लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ाए हैं, क्योंकि दिल से लेकर किडनी तक हर एक हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन जब बात दिमाग की आती है तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक के होश उड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। ये बात 19वीं शताब्दी की है जब एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग नस्ल के कुत्ते की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके किसी दूसरी नस्ल के कुत्ते के शरीर के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को लगा कि जैसे ही उनकी ये सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा, पर होश में आना तो दूर की बात है। ऑपरेशन की वजह से कुत्ते की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी और करीब एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, इसलिए उन्होंने कई सालों तक और भी ज्यादा रिसर्च की और फिर साल 1960 के दौरान एक बंदर के साथ ऐसा किया गया। इस बार वैज्ञानिकों के हाथ थोड़ी सी सफलता लगी, क्योंकि एक बंदर की खोपड़ी को अलग करके किसी दूसरे बंदर के शरीर के साथ जोड़ने के बाद वो बंदर होश में भी आ गया और उसका दिमाग अच्छी तरह से काम भी कर रहा था। पर अफसोस, बंदर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था और 9 दिनों तक जीवित रहने के बाद उस बंदर की मौत हो गई। 2 बार लगातार इतनी बड़ी असफलता हाथ लगने के बाद इस विषय पर दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग रिसर्च की कि आखिर किस तरह किसी एक जीव की खोपड़ी को निकालकर दूसरे जीव में ट्रांसप्लांट किया जाए। इन सारी चीजों में काफी वक्त निकल चुका था, जिसके बाद साल 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों के दिमाग को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। उस डॉक्टर ने कई घंटों तक लगातार मेहनत करने के बाद सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि चूहा बिल्कुल सही सलामत था और उसके शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम कर रहे थे। इस ऑपरेशन के बाद वैज्ञानिकों को थोड़ी तसल्ली हुई, जिसके बाद 6 जून 1998 को पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के सर्जन की एक टीम ने दुनिया का सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया। डॉक्टर ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस ऑपरेशन में दिमाग के एक सेल को ट्रांसप्लांट किया ताकि ये देखा जा सके कि आखिर ट्रांसप्लांटेशन का ये प्रोसेस किस तरह से काम करेगा। पर दोस्तों, दिक्कत ये हुई कि जब सर्जरी हो रही थी तो एक छोटी सी गलती के कारण 62 साल की एक महिला के दोनों पैर पैरालाइज हो गए और इस घटना के बाद काफी हड़कंप मच गया। इसके बाद लोग इस बात पे सवाल उठाने लगे कि कैसे किसी महिला के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन को किया जा सकता है। जब 2013 में एक न्यूरोसर्जन से कई लोगों ने ये बात पूछी कि जिस तरह से शरीर से लिवर को निकालकर दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्या उसी तरह एक खोपड़ी को निकालकर दूसरे शरीर की खोपड़ी से रिप्लेस कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में उस सर्जन ने कहा कि अभी तो ऐसी कोई चीज नहीं आई है, लेकिन भविष्य में ऐसे ऑपरेशन जरूर होंगे, पर अभी हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि हम इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि भला दिमाग को ट्रांसप्लांट करने में ऐसी कौन सी मुश्किल आती है जिसे हल करना बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है। जो हमारे दिमाग का निचला हिस्सा है, जिसे हम बेस कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हेड ट्रांसप्लांट करने के लिए किसी इंसान की खोपड़ी को काटकर निकाला जाए तो इससे उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगा, जिससे वापस से पहले जैसा करना लगभग नामुमकिन सा है। और अभी तक ऐसा करने की कोई भी टेक्नोलॉजी सामने नहीं आई है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व फाइबर को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारी बॉडी का दिमाग से संपर्क बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें रीढ़ की हड्डी बहुत अहम भूमिका निभाती है। इस स्थिति में अगर किसी का हेड ट्रांसप्लांट किया गया और उसका ये ऑपरेशन सफल भी हो गया तो भी बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि हेड ट्रांसप्लांट के लिए रीढ़ की हड्डी को तोड़कर मस्तिष्क से शरीर को अलग करना होगा ताकि दूसरी खोपड़ी को जगह पर लगाया जा सके। ऐसे में अगर एक बार स्पाइनल कॉर्ड में कोई परेशानी आ गई तो इंसान की मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और दोस्तों, यही कारण होते हैं कि जब किसी भी नए तरह के ऑपरेशन को किया जाता है तो उसे इंसानों से पहले जानवरों पर करके देखा जाता है कि उस ऑपरेशन के अंजाम क्या होंगे, और अगर सब कुछ ठीक होता है तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। यहाँ तक कि जब इस तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं तो उसकी परमिशन भी सरकार से पहले ही ले लेनी होती है, क्योंकि दोस्तों, हम इंसानों के शरीर का सबसे जटिल और अहम हिस्सा हमारा दिमाग है, जिसमें अगर कोई भी खराबी आ जाए तो इंसान का शरीर कितना भी बलशाली क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए जब बात हेड ट्रांसप्लांटेशन की आती है तो इसके पूरे प्रोसेस के बारे में तो वैज्ञानिक बहुत अच्छे से जान गए हैं, जिसमें 100 से लेकर 150 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और सभी ऑपरेशनों को करने में करीब 36 घंटे का समय लगता है। ये जो प्रोसेस होता है, इसमें सबसे जरूरी काम दिमाग को फ्रीज करना होता है। इस दौरान दिमाग के पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है और फिर उसे मरने से बचा लिया जाता है।
गर्दन और नसों को जोड़ने वाले ट्यूब्स को गर्दन में फिट कर दिया जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को काट दिया जाता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है जिसे आज तक सफलतापूर्वक नहीं किया गया है। क्योंकि अगर वैज्ञानिकों को ये पता चल जाए कि किसी इंसान के स्पाइनल कॉर्ड को काटने के बाद उसे वापस से कैसे ठीक किया जाए, तो हेड ट्रांसप्लांट जैसी चीज भी हाथों की हड्डी टूटने पे प्लास्टर चढ़ाने जितनी ही आसान हो जाएगी। पर मुश्किल तो यही है कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस मुश्किल प्रोसेस को आसान करके लोगों की जिंदगियां बचा सके। हालांकि इस वक्त दुनिया भर में कई सारे ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ तो अपनी इस रिसर्च को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही रिस्की है। इसीलिए किसी भी देश की सरकार वैज्ञानिकों को ये अनुमति नहीं देती है कि वो किसी इंसान के ऊपर हेड ट्रांसप्लांट का एक्सपेरिमेंट करें। पर दोस्तों, अमेरिका के एक डॉक्टर का ये कहना है कि वो अपने रिसर्च में काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इस तरह का ट्रांसप्लांट करने की इजाजत उन्हें अमेरिका में नहीं मिल रही है और यही वजह है कि वो चाइना जाकर अपने इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि शोध करने वाले उस वैज्ञानिक पर भरोसा करते हुए रशिया में रहने वाले एक शख्स ने अपने ऊपर रिसर्च करने की इजाजत दे दी थी। असल में रूस में रहने वाला एक आदमी ऐसा है जिसका दिमाग तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलता है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं करता और उसके शरीर के सभी अंग लगभग बेकार हो चुके हैं। इसलिए उस आदमी ने खुद से वॉलंटियर करके अपने ऊपर शोध कराने की बात कही थी। पर कुछ समय बाद उस व्यक्ति की शादी हो गई और उसके परिवार वालों ने इस अग्रीमेंट को खारिज कर दिया। अब ये वैज्ञानिक इसी बात की राह देख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो खुद के ऊपर इस रिसर्च को करवाए, ताकि उसका हेड ट्रांसप्लांट करके ये देखा जा सके कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च में कितना दम है। क्योंकि अगर हम दुनिया में होने वाले बाकी ट्रांसप्लांट की बात करें तो ये लोगों की जिंदगी में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम देख सकते हैं कि कैसे किडनी, लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट के कारण बहुत से लोगों को नई जिंदगी मिली है। और अगर वैज्ञानिक हेड ट्रांसप्लांट जैसे जटिल ऑपरेशन को करने में सफल हो जाते हैं तो ये मेडिकल साइंस में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। अब बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए और स्टीफन हॉकिंग को ही देख लीजिए, जिनकी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे बैठे बैठे ही बीत गई, जिसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि ये एक ऐसी कंडीशन से जूझ रहे थे कि इनका दिमाग तो ठीक तरह से काम करता था, लेकिन इनका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। अगर इस कंडीशन में डॉक्टरों को ये पता होता कि हेड ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, तो वो इनके दिमाग को किसी ऐसे इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट कर सकते थे जिसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो। लेकिन अफसोस, नहीं इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई और नहीं अब स्टीफन हॉकिंग जिंदा हैं। पर आप खुद ही सोचकर देखिए कि स्टीफन हॉकिंग्स के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका पूरा शरीर बेकार हो चुका होगा, लेकिन उनका दिमाग, जो उनकी पूरी बॉडी का पावर हाउस कहलाता है, वो अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा होगा और वो अपने आसपास होने वाली हर एक चीज को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं हिला सकते। अगर ऐसे में इस तरह के लोगों की खोपड़ी को निकालकर किसी स्वस्थ मरते हुए इंसान में लगा दिया जाए तो सच में चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि मरने के बाद वैसे भी इंसान के शरीर का कोई काम नहीं है, कम से कम उनके शरीर से किसी दूसरे इंसान को नई जिंदगी तो मिल जाएगी। और क्या पता इस तरह से अगर चीजें हो गई तो इंसान कभी मरे ही ना। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की जरूर कर लेगा कि वो इस तरह की सिचुएशन को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर सके। दोस्तों, बाकी आपका इस पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भविष्य में आ पाएगी या फिर स्टीफन हॉकिंग्स जैसे लोग आगे भी नहीं बचाए जा पाएंगे? आप जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।